रघु शेर अपनी पत्नी और बेटे सिम्बा के साथ अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ दावत में जा रहा था। रघु और उसका परिवार दो दिनों से लगातार यात्रा कर रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और अचानक से रघु की बैलगाड़ी खराब हो जाती है और वहीं थोड़ी देर में शाम भी हो जाती है। सीमा, लगता है बैलगाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, हमें आज रात इसी जंगल में रुकना होगा। तब रघु अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में ही रात बिताता है। रघु अपने परिवार के साथ भोजन करता है, तभी अचानक रघु को जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यह सुनकर रघु अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? लगता है कोई मुसीबत में है, मैं जाकर देखता हूँ, तुम सिम्बा के साथ यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तब रघु जंगल में अंदर की ओर चला जाता है। सीमा और उसका बेटा सिम्बा रघु के वापस लौटने का इंतजार करते हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन रघु वापस नहीं लौटता। तभी अचानक जंगल में से रघु के चीखने की आवाज आती है। रघु की आवाज सुनकर सीमा शेरनी घबरा जाती है। बेटा सिम्बा, यह तो तुम्हारे पिता की आवाज थी, लगता है तुम्हारे पिता किसी मुसीबत में हैं। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? सिम्बा को जंगल में अंदर ले जाना भी सही नहीं है। नहीं नहीं, मैं सिम्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी कुछ शिकारी बाघ मानव सीमा और सिम्बा की तरफ तेजी से आते हैं। सीमा उन्हें देखकर घबरा जाती है। सिम्बा बेटा, भागो यहाँ से, जल्दी से भागो और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, भागो यहाँ से। सिम्बा अपनी माँ की बात सुनकर तेजी से वहाँ से भागता है। इधर वे शिकारी बाघ मानव सीमा पर हमला कर देते हैं। बेचारी सीमा अकेली उन तीनों शिकारी बाघ मानव से टक्कर लेती है, लेकिन वे शिकारी बाघ मानव सीमा शेरनी पर हमला कर अगले दिन रघु के जंगल में मायूसी छाई होती है, क्योंकि रघु की मौत की खबर जंगल में तेजी से फैल जाती है। अब रघु का भाई बघीरा रघु के सिपाही और सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। भाइयों, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कल रात हुए एक हादसे में मेरे भाई का सारा परिवार खत्म हो गया है। मैं जानता हूँ इस सच्चाई को कबूल करना हम सबके लिए मुश्किल है, लेकिन होने के आगे किसी की नहीं चलती। मैं इस दुखद घड़ी में तुम सबके साथ हूँ, अगर तुम सबको एतराज न हो तो मैं अपने भाई रघु के इस गद्दी को संभालना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त इस गद्दी को संभालना बहुत जरूरी है। तब जंगल के सभी जानवर थोड़ा सोचकर कहते हैं, हाँ बघीरा, हमें कोई एतराज नहीं है, आखिर तुम भी हमारे महाराज रघु के छोटे भाई हो, हम आशा करते हैं कि तुम भी रघु महाराज की तरह एक अच्छे राजा साबित होगे। तब सभी जानवर मिलकर बघीरा को जंगल का राजा बना देते हैं। अब बघीरा जंगल का राजा बन गया था। राजा बनने के बाद बघीरा और उसके सिपाही जंगल में मजे की जिंदगी गुजारने लगे। ऐसे ही एक दिन जंगल के सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। भाइयों, हमारे महाराज रघु शेर कितने अच्छे थे, वे हम सभी का बहुत ख्याल रखते थे और हम सबको अपनी औलाद की तरह समझते थे। हाँ भाई, लेकिन उनका ये भाई बघीरा रघु महाराज से बिल्कुल अलग है। शुरू में तो इसने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब लगता है कि इसे हमारा कोई ख्याल नहीं है। इस बघीरा को अपने ऐशो आराम से फुर्सत ही नहीं मिलती। जंगल के सभी जानवर ऐसा कहकर अपना अपना दुख एक दूसरे के साथ बांट रहे थे कि तभी एक गाय उनकी जंगल में आती है। लेकिन ये क्या, उसके साथ तो जवान सिम्बा भी था। गाय के साथ सिम्बा को देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे अरे भाइयों, ये क्या, ये तो सिम्बा है, ये तो हमारे महाराज रघु शेर के बेटे सिम्बा है। अरे सिम्बा, तुम यहाँ, तुम जिंदा कैसे हुए? अरे गाय, तुम्हें ये सिम्बा कहाँ से मिला? कौन सिम्बा, यह तो मेरा बेटा शिवा है। बरसों पहले यह मुझे पास के जंगल की पहाड़ी पर बेहोशी की हालत में मिला, तब मैं इसे अपने साथ ले गई और तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे महाराज रघु शेर का बेटा सिम्बा ही है। सालों पहले हमारे महाराज के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उनका सारा परिवार मर गया था। लेकिन भाई, आश्चर्य की बात यह है कि अगर सिम्बा जिंदा था तो बघीरा ने सिम्बा को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और उसने जंगल में सिम्बा के मरने की खबर क्यों फैलाई? तभी एक बकरी उन सभी के पास आती है। सुनो भाइयों, मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा राज बताती हूँ। सालों पहले रघु के परिवार के साथ जो हादसा हुआ था वह कोई हादसा नहीं था, वह एक साजिश थी। क्या साजिश, कैसी साजिश?
हाँ भाइयों, जब रघु शेर तब मैं उसी जंगल में थी, वहाँ मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी। तब मैंने देखा बघीरा अपने कुछ सिपाहियों के साथ महाराज रघु को मारने के खिलाफ एक प्लान बना रहा था। सिपाहियों, आज रात हमें उस रघु को इस जंगल में खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसके परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आज रात रघु का पूरा परिवार तबाह हो जाएगा और फिर मैं उसके अल्फा जंगल का राजा बनूंगा। मैं यह बात सुनकर बहुत घबरा गई और वहाँ से रघु शेर की ओर जाने लगी। लेकिन मैं जब तक वहाँ पहुँचती तब तक बघीरा और उसके खूनी सिपाहियों ने रघु शेर को मार डाला था। तब मुझे सिम्बा का ख्याल आया, लेकिन तब तक सिम्बा वहाँ से जा चुका था। बकरी के मुंह से यह सब सुनकर सिम्बा और सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो यह सब मेरे चचा बघीरा ने किया। चचा, तुमने अपने भाई के साथ गद्दारी की और इस जंगल की राजगद्दी के लिए मेरे मासूम माता पिता को मार डाला। चचा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस गद्दारी की सजा जरूर दूंगा। हाँ सिम्बा, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो सिम्बा, हम चलकर उस बघीरा को सबक सिखाते हैं। तब सिम्बा सभी जानवरों को लेकर बघीरा के पास आ जाता है। बघीरा सिम्बा को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। ओके बाद तुमने अपने परिवार के साथ गद्दारी की, अब तुम्हें इस गद्दारी की सजा मिलेगी। तब सिम्बा और सभी जानवर मिलकर बघीरा और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और वे सभी मिलकर बघीरा और उसके सिपाहियों को एक एक करके जान से मार डालते हैं। तो इस तरह सिम्बा अपने चचा बघीरा से अपने माता पिता की मौत का बदला लेकर बहुत खुश होता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर अपने पिता रघु शेर के जंगल को संभालता है।